बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रुबीना मैरिज ब्यूरो। आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हरीश से होंगी, हमेशा की तरह खूबसूरत से खूबसूरत रिश्ता आज भी हम लेकर आए हैं। और ये रिश्ता भी पाकिस्तान के ही शहर से है, जी हाँ, कराची से है। और देखिए, ये माशाल्लाह से बहुत ही नेक और अच्छी लड़की है। ये घर बसाना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, और ये एक चैनल की न्यूज़ रिपोर्टर हैं माशाल्लाह से, जी हाँ, न्यूज रिपोर्टर हैं। और इनकी ख्वाहिश है कि ये शादी के बाद भी जॉब जारी रखेंगी, घर बसाना चाहेंगी। इनके प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट चैनल में ये न्यूज रिपोर्टर हैं, आपने टीवी पे इनको देखा ही होगा। और अब जो है ये घर बसाना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं। बहुत सारी न्यूज जो है इन्होंने दी है, रिपोर्ट इन्होंने दी है चैनल को, लेकिन अब जो है ये अपनी भी शादी करना चाहती हैं और अपना घर बसाना चाहती हैं। इनकी ख्वाहिश है कि ये शादी के बाद भी जॉब जारी रखें। अगर आपको इतराज ना हो तो आप इस रिश्ते के लिए रब्ता कर सकती हैं। इनका नाम सबा है, सबा की उम्र 27 साल है, कराची के रिहायशी पजीर है, कास्ट इनकी मुहाजर है, घर बसाना चाहती है, न्यूज रिपोर्टर है, सादगी से शादी ये करेंगी। अगर आपको इतराज ना हो तो आप इस रिश्ते के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इनकी ये भी एक शर्त है कि ये शादी के बाद जॉब जारी रखेंगी। अगर आपको इतराज ना हो तो आप इस रिश्ते के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिश्ता है सबा का, जी हाँ, उम्र है इनकी 27 साल, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की है, और सीरत से भी माशाल्लाह से अच्छी हैं, और सूरत से भी माशाल्लाह से अच्छी हैं, खूबसूरत है। इनके घर में ये दो बहनें हैं और दो भाई हैं, भाई इनके दोनों मैरिड हैं और बहनें दोनों कुंवारी हैं। इनके छोटी एक और बहन है जो कि पढ़ाई कर रही है, और इनके वालिद साहब चाहते हैं कि पहले उनकी बड़ी बेटी की शादी हो जाए और उनकी बड़ी बेटी का घर बन जाए, जो कि सबा है। सबा ने माशाल्लाह से घर को भी संभाला हुआ है, और उसके बाद जो है जो भी अच्छी तरीके से सर अंजाम देती हैं, और माशाल्लाह से जो है चैनल के जरिए जो है ये काम कर रही हैं न्यूज़ रिपोर्टिंग का, तो ये भी माशाल्लाह से बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करती हैं। और अब जो है जैसे कि ये अच्छी खूबसूरत है, वैसे ही इनके घर वाले चाहते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक अच्छा शरीफ लड़का मिल जाए, ताकि वो अपनी बेटी का घर बस सकें, जी हाँ, और इनकी बेटी का घर बस सके इंशाल्लाह ताला। ऐसा ही होगा, इनकी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता बनेगा। शरीफ फैमिली से अगर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबा हमारी बहन का रिश्ता आपको पसंद आता है, तो सबा का नाम, अपनी मुकम्मल डिटेल, अपना कॉन्टेक्ट नंबर आपने लिखना है, और ईमेल के जरिए भी आप इसी तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो सबा जो है शरीफ लड़के के तलाश में, ज्यादा उम्र के मर्द हजरात इस रिश्ते के लिए रब्ता ना करें। इनके हम उम्र अफराद ही, लड़के ही, पढ़े लिखे नौजवान ही इस रिश्ते के लिए कॉन्टेक्ट करें। दूसरी शादी करने वाले भी इस रिश्ते के लिए रब्ता ना करें। नेक और अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले ही नौजवान जो है पढ़े लिखे हैं, अगर आप हैं अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो आप सबा के रिश्ते के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपके पास एक शर्त है कि जॉब होनी चाहिए, एक अच्छी शरीफ फैमिली से आपका ताल्लुक होना चाहिए, तो आप इस रिश्ते के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सारी जिंदगी का सवाल होता है, और इससे जो है शादी एक बार होती है, बार बार नहीं होती। लड़की भी चाहती है कि जीवन साथी नेक मिले, क्योंकि शादी बार बार नहीं होती, और लड़का भी यही ख्वाहिश यकीन रखता है कि उसकी बीवी नेक और शरीफ हो। सबा तो माशाल्लाह से इनके मन में जो है खूबियां कूट कूट के भरी हैं। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है, पसंद है, तो जरूर रब्ता कीजिए। और ये इनकी एक शर्त है कि ये सादगी से शादी करेंगी, जी हाँ। अगर आपको इतराज ना हो तो आप इस रिश्ते के लिए रब्ता करें। मिलते हैं गाले इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने आपने अपना ख्याल रखना है, और दुआ में लाजमी याद रखना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।